क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, मुझे जब एक बार मना कर दिया कि नहीं करना तो क्यों कर रहे हो? सॉरी मान जाओ मत करो प्लीज, हाथ जोड़ दो तुम्हारे आगे मत करो। तीन साढ़े तीन साल में आके भरा है मन, कोई बात नहीं सबका भर जाता है। तुम अपनी बाइक तेज चलाओ, तुम कुछ भी करो, तुम जाके मरो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भाड़ में जाओ। बोलते रहो एक ही बात को, हाथ मत लगा देना मेरे को, आई बस समझ में। रुको रुको करे जा रहे हो, रुको। सो है गाइस, वेलकम टू चैनल दिस मिशा फेस। सो आज का प्रैंक होने वाला है, मतलब कि सैड होने वाला है थोड़ा। रिया को मैंने बहुत ज़्यादा फिर दोबारा से अप्रोच करा था मिलने के लिए, तो वो आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट देता हूँ। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये कहानी भाई व्लॉग चैनल से शुरू हुई। तो व्लॉग चैनल पर जाकर देखना तुम, क्या सीन हुआ एकदम से बदलना ये वो, मतलब कि मैं तो सोच रहा हूँ यार इतनी जल्दी कोई कैसे बदल सकता है। तो रिया को मतलब कि मैं मिलने के लिए भी बुला रहा हूँ, उसकी मम्मी को मतलब कॉल में कर नहीं सकता, उसने उस चीज़ के ऊपर भी मतलब कहा मम्मी मम्मी को कॉल मत करना ये वो, मेरे साथ मतलब कि इतना ज़्यादा दिक्कत, मैं उसके लिए सारी चीज़ें छोड़ने को तैयार हूँ, फिर भी यार ये सीन हो रहा है। तो मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ, तो मेरी हालत देख रहे होगे मतलब कि कैसी हो रही है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई। तो मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यार लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है उन्हें मतलब कि साइड में रख के यार रिया को मनाते हैं पहले, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा साथ दिया है उसने भी मेरा, तो इसलिए भाई लाइफ की सारी सिचुएशन साइड में रख के मैं नहीं चाहता और दिक्कत होए रिया, क्योंकि भाई मेरे से नाराज़ हो जाएगी, मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा यार मनाने वाला, चीज़ें सुधारने वाला, चीज़ों को सही करने वाला। तो इसलिए मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने पास से, लेकिन वो भी लड़की भाई पूरी हीट हो गई है भाई, मान ही नहीं रही कुछ, मतलब कि जो भी मैं मतलब कि अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सकता है मेरे से। बाकी तो मैं प्रैंक तो भाई डेली कर नहीं सकता, कुछ नहीं पता भाई वो कैमरे को क्या कि कैमरा क्यों लगा रखा है, ऐसा सीन है। तो इसलिए भाई मैं कैमरा मतलब कि व्लॉग चैनल पे अपडेट दे रहा हूँ सारी, तो व्लॉग चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, शाफिज़ व्लॉग नेम से चैनल है, तो वहाँ पे जाकर अगर आप मतलब कि सब्सक्राइब कर लोगे आपको डेली अपडेट दूंगा मैं, मतलब कि जितना भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा जो भी चीज़ है उससे जान के रहूँगा मैं क्या चीज़ हुई है। वैसे तो जहाँ तक उसने मुझे कॉल करी थी जाने के बाद भी कि ऐसे ऐसे फैमिली दिक्कत ही है यार, फैमिली को उससे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं फैमिली से तो बढ़कर हो नहीं सकता, तो इसलिए भाई सही है यार जैसा भी होगा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ये ना जाए मेरी लाइफ से, क्योंकि यार जो जो चीज़ भी चाहिए ना मैंने लाइफ में वो चीज़ मेरे पास से गई है यार, तो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ रिया ना जाए, इसलिए आने का वेट कर रहा हूँ उसका मैं अभी, तो आने देते हैं फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. काफ़ी इंतज़ार करने के बाद रिया सामने आ रही है, तो भाई कैमरा उधर कर दे यार, आज मना के रहेंगे ऐसे जो भी होगा। बोलो क्या बात है? हेलो। फिर दोबारा से वही हक तो कर लो। सो मना क्या ना मत करो, नहीं पसंद मुझे। इधर तो आ जाओ थोड़ी। हाँ बोलो क्या बात है? क्या बात है क्या लगा रखा यार? बात क्या है वो बताओ, टाइम वेस्ट ना करो यार, मतलब कि इतना सही बोला, कॉल भी करी थी तुमने, मुझे लगा कॉल इसीलिए करी होगी साथ, चलो अच्छा है मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही होंगी, लेकिन ये बात है रियल थी जब मैंने सुना ना, तो भाई मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं था यार। तो मत बोलो, कहा है किसी ने बोलो मेरे को, बार बार सॉरी बोलो, मैंने कही है तुमसे, खुद कॉल करके परेशान किए जा रहे हो, दिमाग ख़राब किए जा रहे हो, क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? मुझे जब एक बार मना कर दिया कि नहीं करना तो क्यों कर रहे हो? सॉरी ना, फिर वही एक बात, कितना मनाने की कोशिश करो यार तुम, मत मनाओ, मैंने कही है तुम मेरे को मनाओ, कही है मैंने, कितना मनाओ मत करो, मैंने तुम फिर मेरे को ही बोलोगे कि मैंने तुम्हें कितना मनाया है, तुम ऐसी हो गई हो, तुम खुद को नहीं देख रही हो, ये वो करके मैं तुम्हें देखो कितना करो, मैंने कहा है करो ऐसा, ठीक है ना, नहीं कह रही तुम, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो पूरी वो करूँगा ना यार, मैं नहीं जाता ना यार, इतनी सिचुएशन है बेकार चल रही है लाइफ में, तुम भी मेरे से बिगड़ो, तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था उस बारे में, अब ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। बाइक तेज चलाने के ऊपर तुम ऐसा करोगे? बिल्कुल, करना क्या है, कर दिया मैंने, जब मैंने कर दिया मना, तीन चार दिन से एक ही बात लगातार रिपीट कर रही हूँ, नहीं करना, पर फिर सॉरी मान जाओ मत करो प्लीज़, हाथ जोड़ दो तुम्हारे आगे मत करो, ऐसे सब बातें बोल के मेरे को शर्मिंदा मत करो। सॉरी ना, क्या ऐसे समझ आएगा तुम्हें? सॉरी बोलता रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुमसे, तुम मेरे को सॉरी बोलो, आई लव यू बोलो, कुछ भी करो, यही सब बात है। एक चीज कह दिया, नहीं करना नहीं रखना मेरे को, जाओ यहाँ से, मैं कौन उठाऊँ, अच्छा, तो छुओ मत मेरे को, मैं कौन उठाऊँ, तो मेरे को फोन करके परेशान कर दो भाई, उनके पास भी सौ काम है, तो कोई खाली नहीं बैठी रहती, तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब कॉल करूँ, और कौन है मेरे पास, तुम्हारी फ्रेंड जरूरी है ना, तुम्हारी फ्रेंड जरूरी है,
मम्मी का नंबर है तो यार मम्मी का नंबर पे करूँगा ना, तुम्हारे घर वालों का किसी और का नंबर तो ना, तुम्हारी फ्रेंड वगैरह का नंबर है मेरा किसी के पास, तो मैं क्या करूँ? नहीं है तो मैं कॉल उठा तो तुम उनको परेशान करोगे यार। इतना चेंज तुम कैसे हो गए यार, कोई और मिल गया क्या तुम्हें? मुझे कोई नहीं मिला। क्या मेरी कसम भी खाली तुमने आज तक? मेरी झूठी कसम नहीं खाई सर पात रख के तुमने ये बात बोली है। मन भर गया, मन भर गया मतलब ऐसे ही मन भर जाता है क्या किसी से भी? मेरा भर गया। तीन साढ़े तीन साल में आके भरा मन, तुम्हारी वही बातें, तीन साढ़े तीन साल में आके भरा मन, कोई बात नहीं सबका भर जाता है, भर गया मेरा भी। बोलो क्या करोगे? नहीं करना मेरे को, सब में तुमने आती ना, तुम तो अलग लड़की थी ना सब में। अब नहीं रही मैं, हो गई मैं चेंज। तुम खुद देख लो ना तुमने क्या किया है। तेज बाइक चलाई है और क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? कुछ ऐसी चीज करी है जिससे छोड़ने का? हाँ मैं मानता हूँ अगर कोई तीसरा पर्सन आया होता हमारे बीच में, कुछ ऐसी चीज होती जब तो तुम छोड़ भी सकती थी, चीट वगैरह करता। मैंने कुछ चीज ऐसी नहीं करी तो तुम छोड़ क्यों रही हो मेरे को? मेरे को इस बात का जवाब दो। रीजन ये है मेरे को नहीं रखना तुमसे कुछ भी, ना मेरे को कोई बस, दूसरा बस यही एक ना ही बात मेरे है। को दूसरा पसंद आया है ना कोई तीसरा पसंद आया है, मेरे को नहीं रखना बस बात खत्म। तुम अपनी बाइक तेज चलाओ, तुम कुछ भी करो, तुम जाके मरो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भाड़ में जाओ। हाँ सीरियसली? बिल्कुल। और ये बात कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ यार, मत करो ना भैया यार, सॉरी ना ये वही बात। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कॉल करके परेशान करना, एक ही बात को लेके टॉर्चर करना, सॉरी ना, इन्हीं बातों की वजह से छोड़ रही हूँ मैं तुम्हें। आगे समझ में अब मत पूछना मेरे से। बातों की वजह से? इन्हीं सब बातों की वजह से। कौन सी? यही सब जो तुम करो, तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही है बिल्कुल दिन पर दिन पे। जो मैं सॉरी मांग रहा हूँ तुमसे? तुम पहले मेरे को सॉरी बोल देते हो, बाद में आके ना मेरे को पता है तुम वही बात गिनवाओगे मेरे को कि मैंने तुम्हें मैं तुम्हारे सामने इतना गिड़गिड़ाया, तुम इतनी वो हो ये हो, तुम नहीं मानी मेरी एक बात, मेरे को पता है ना। तुम मेरे को बीच में भी मैं बोल चुके परसों, अगर तुम दिल से सॉरी फील करते हो मेरे को ये बात नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे सामने इतना गिड़गिड़ाया, मत करो। मैंने कही है गिड़गिड़ा नहीं यार, तो मैं सॉरी तो बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इतना सॉरी बोल रहा हूं मत बोलो, पहले ऐसा नहीं हुआ कभी। साढ़े तीन साल मत बोलो, साढ़े तीन साल गए हो, साढ़े तीन साल अपनी आगे की लाइफ जियो, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं ना, मेरे को तुम्हारे साथ रखना। अच्छा ना बाबा सॉरी ना यार, कितना बाकी के लोग तो बोलेंगे ना, तो कोई बात नहीं, मुझे लोगों की परवाह होगी, मैंने लोगों से प्यार को किया, तुमसे प्यार किया है, कोई बात नहीं। मेरे को सुनना ना, घर जाने में बहुत वो हो रहा है, मेरे को घर पे और भी काम है। सॉरी ना, एक ही बात रुको, हाथ मत लगा देना मेरे को, आई बस समझ में? रुको रुको करे जा रहे हो, रुको, अरे रुको यार, रुको ना यार। तो हुआ क्या है? तो चलो बैठो इधर। नहीं बैठना, मेरे को घर जा रही हूँ। सॉरी बोल रहा हूँ ना बार बार जाने वाली, ये हरकत है तुम्हारी रोकने की? तो रोक रहा हूँ ना मैं, ये हरकत है तुम्हारी रोकने की? सॉरी ना, रुक जाओ तुम, सॉरी सॉरी, रुको इधर आओ, ऐसे पकड़ के मेरे को खींच के लेके जाओगे तो कैसे चलूं? ऐसे लेके जाता हूं मैं, प्रेम में भी आओगे उधर यार, मेरे दर्द हो रहा हाथ पैरों में जितनी तेज तुम मार रहे हो, तुम्हें पता है मेरे लगी हुई शोल्डर में, फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी वो हो नहीं है कि इंसानियत। छोड़ दो मुझे, मत करो, मत रखो कुछ भी। सॉरी ना यार, सॉरी कान पकड़ के, सॉरी सॉरी ना, रुको ना, मैं फिर करूंगी, तुम मेरे को वही सबसे लेके ब्लेम करोगे। रुको यार, क्या है? क्या है बोलो, बोलो क्या है? सॉरी। और सॉरी ना, इससे आगे सॉरी ना यार, तो मेरी कसम है, मेरे को रोक मत लेना प्लीज। ओ भाई यार, क्या सीन है, मतलब कि ऐसा भी कोई, मतलब कि कोई चेंज हो सकता है? मेरे को तो पता ही नहीं था, मतलब कि मुझे तो लगा था यार
या मान जाएगी मेरे से ऐसा कुछ सीन, लेकिन ये तो मान ही नहीं यार। जितना भी मैं बना रहा हूँ अभी मैंने थोड़ा तेज़ पकड़ा, मतलब कि मेरे से गलती हो गई, मैंने सॉरी बोला, मुझे खुद को लगा हाँ मैंने तेज़ पकड़ा, लेकिन ये तो मानने को तैयार ही नहीं है यार। मतलब मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं है यार, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मुझे पता नहीं था यार, मैंने सुना था यार लोगों के 10-10 साल के रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर तो 3.5 साल का ही हाल है। लेकिन मैं तो सोचता था मेरा भाई 3.5 साल का है, 3 साल होगा मुझे तो रिलेशन में, फर्स्ट टाइम मैं इतना मतलब कि रिलेशन में किसी के साथ आया हूँ इतने टाइम तक, ये वो हमेशा टिके गए पार्टनर, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये चीज़ें देख रहा हूँ ना मैं अंदर से टूट रहा हूँ यार। गाइस आप ही बताओ यार कमेंट करके क्या करना चाहिए मुझे, मतलब कि ये कैसे मानेगी। मैं मतलब कि इससे मिल भी रहा हूँ, मिल के भी नहीं मान रही बंदी। मुझे तो लगा था मिल के मतलब सोल्व हो जाएगी, कॉल्स पे नहीं होती इतनी बड़ी बात सोल्व। लेकिन मैं कैमरा भी इसलिए लगवा रहा हूँ यार, मेरा मतलब कि तुम्हारे सामने आने का भी मन नहीं है कि कैमरा भी बस इसलिए लगवा रहा हूँ आप लोगों को भी पता लगता रहे क्या हो रहा है। बाकी और चीज़ें जाननी हो तो आप ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो कर सकते हो आप यार सब्सक्राइब, जाके देखो यार उस पर मतलब क्या सीन हुआ था। बस तेज़ चलाई थी मैंने बाइक, लेकिन मैंने उस दिन भी इतना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बंदी तो भाई अब कुछ नहीं बोल सकता भाई। मैं ये भी नहीं कहूँगा वीडियो पसंद आई आपको, आउटरो वगैरह कुछ नहीं करूँगा, तो भाई रोक दे।